गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वी आर इन सेम क्लास दैट इज फिजिकल एजुकेशन फॉर क्लास प्लस टू। दिस लेक्चर इज फॉर क्लास प्लस टू। अर्लियर वी डिस्कस्ड टूर्नामेंट इन द लास्ट क्लास। टूर्नामेंट है क्या? टूर्नामेंट वो प्लेटफॉर्म है, वो प्रोग्राम है जिसमें एक डेफिनेट फिक्सर मीन्स फिक्सर डिसाइडेड बाई ऑर्गेनाइजर और कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी जो बताती है कि इस टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग ये जो टीमें खेलेगी उस प्रोग्राम में टीमें पार्टिसिपेट करती है और एक डेफिनेट फिक्सर के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से मैच खेलती है और इसमें विनर और रनर डिसाइड होते हैं। दिस इज टूर्नामेंट। नाउ वी कम टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स के टाइप कितने कि एक चीज मैं आपको इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ओनली द मीनिंग और यू कैन से जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट और बाद में जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इन टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग फिक्सचर किस तरह से तैयार करना है वो बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट देन। फर्स्ट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट दैट इज आपको पता ही होगा दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट और दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन टूर्नामेंट ऑल्सो। इलिमिनेशन टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट दैट टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच वेन टीम्स प्लेज अकॉर्डिंग टू दिस टूर्नामेंट वेन एवर और इन एनी राउंड इफ एनी टीम लूजेस इट विल बी इलिमिनेटेड और गो आउट फ्रॉम दैट टूर्नामेंट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन टूर्नामेंट। लेट मी क्लियर यू अगेन। नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली टीम जब किसी भी स्टेज पर मीन किसी भी राउंड में दूसरी टीम से हार जाती है तो वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉकआउट टूर्नामेंट और इलिमिनेशन टूर्नामेंट। अब हर टूर्नामेंट के आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ड्रॉबैक और उसके बेनिफिट्स की टूर्नामेंट के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है या हम कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट के लाभ क्या है और हानि क्या है या हम कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट के प्लस पॉइंट क्या है या माइनस पॉइंट क्या है। तो लेट्स फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस। टूर्नामेंट में जितनी टीम पार्टिसिपेट करती है उनका ठहरने का लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगता है तो वो वहां ठहरती है जब तक वो टूर्नामेंट चलता है या जो भी अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में जल्दी रिजल्ट आ जाता है, हारने वाली टीम जल्दी चली जाती है और इस टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग क्या है टाइम बचता है, कम समय में टूर्नामेंट का रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा इसके अंदर हमें कम टाइम कम फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, कम से कम हम फाइनेंस के अंदर ये टूर्नामेंट करवा सकते हैं। तीसरा हमें ज्यादा दिनों तक क्योंकि टूर्नामेंट लंबा नहीं चलता, हारने वाली टीम बाहर हो जाती है और वो चली जाती है तो हम इस टूर्नामेंट में हमें कम से कम अरेंजमेंट करने पड़ते हैं और इस टूर्नामेंट में क्योंकि ये टूर्नामेंट में ये होता है टीम को ये पता होता है कि हारने के बाद इस टूर्नामेंट से हमें बाहर होना तो वो जो टीमें हैं पूरे के पूरे अपने पूरे एफर्ट के साथ पूरा जी जान लगा के खेलती हैं जिससे क्या है कि टूर्नामेंट का जो एक आप कह सकते हो कि उत्साह है वो बना रहे हैं टूर्नामेंट दर्शकों के लिए तो ये टूर्नामेंट बहुत एंजॉयफुल और कॉम्पिटिटिव होता है। नाउ कम्स ऑन डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में ये है इस टूर्नामेंट में क्या है कि फिक्सर एक क्योंकि फिक्सर एक डेफिनेट लॉटरी सिस्टम या किसी भी तरीके से डाला जाता है थोड़े बहुत एडवांटेजेस है अच्छी टीमों को दिया जाता है समटाइम्स लेटर विल डिस्कस क्योंकि इस टूर्नामेंट में फिक्सर के अकॉर्डिंग बाय लक जो अच्छी टीमें हैं हो सकता है वो पहले राउंड में उनका मैच हो जाए एक ही वो हाफ में आ जाए और पहले राउंड में उन अच्छी टीमों में से टीम बाहर हो जाए और बाय लक जो दूसरी टीम्स हैं वो जो कमजोर टीम है वो उस टूर्नामेंट में फाइनल तक या सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। जैसे इस टूर्नामेंट में ये इस टूर्नामेंट का ड्रॉबैक है कि ये अच्छी टीम को भी हो सकता है बाय लक बाय चांस अच्छी टीमें पहले राउंड में बाहर हो जाए। दूसरा क्या है कि इस टूर्नामेंट में कई बार तो पार्टिसिपेटिंग टीम ये सोच लेती है कि यार इस टूर्नामेंट में तो हमें हार नहीं है तो कुछ टीमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती करती
और वो क्या है कि इसमें जो पार्टिसिपेशन का जो नंबर है वो कम रहता है, कम खेलना पसंद करती है टीमें। तो इसलिए है ये मान लो कोई टीम बाहर से आई है, दूर से आई है, जैसे ही वो मैच खेलेगी हो सकता है वो अपनी परफॉर्मेंस, टीम तो वो अच्छी है, बेटर है, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस ड्यू टू दैट ट्रैवलिंग टायर्डनेस नहीं कर पा रही है या एनवायरमेंट उसको दूसरा मिला, वो एक दिन में या दो दिन में अपने आपको एडजस्ट नहीं कर पाई है तो वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाती और बाहर हो जाती है। इसलिए ये नेक्स्ट जो पॉइंट है ये प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करवाता सारे, क्योंकि ये मैच खेलने के बाद जो टीम बाहर हो गई हो सकता है सारी टीम में कोई प्लेयर अच्छे और वो अपने परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, लेकिन वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो उनको अनफ चांस नहीं मिला, पूरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस को शो करने का। सो दीज आर द फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। बाकी इस टूर्नामेंट में हर टूर्नामेंट के ड्रॉबैक भी है और बेनिफिट भी है, तो लेट इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। आप कोई भी चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी तरह से आपकी क्यूरी है, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएंगे इट मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट लर्निंग। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें बुक्स कौन से परचेज करनी है, आई हैव गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज न्यूज़पेपर एटसेट्रा एटसेट्रा, सीबीएसई और एनी बोर्ड इज गोइंग टू रिड्यूस द सिलेबस, जब तक हम टॉपिक वाइज चीज को डिस्कस करना चाहते हैं। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट यू टू रीड ओनली 5 to 10 minutes डेली और डिस्कस विद मी ऑन व्हाट्सएप, प्लीज गिव योर फीडबैक ऑन व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।